आज हम सॉल्व करने वाले हैं असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस। असर्शन आपको दिया हुआ है, देयर आर टू नंबर सच दैट एचसीएफ इज 18 एंड एलसीएम इज 380। एचसीएफ दे रखा है हमको एंड एलसीएम दे रखा है हमको, और उसने बोला है कि जो एचसीएफ है वो 18 है, एलसीएम है जो 380 है। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, रीजन एलसीएम मस्ट डिविजिबल बाय एचसीएफ। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो एलसीएम है वो डिविजिबल होना चाहिए बाय एचसीएफ, और कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर जो है वो क्या आना चाहिए आपका, इन दिस केस रिमाइंडर आना चाहिए जीरो। तो अब यहां पे हम 18 से डिवाइड करते हैं 380 को, ठीक है, 36 0 2 0, तो 18 बन जाए 18, तो ये अल्टीमेटली रिमाइंडर 2 बच रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी नंबर को आप ले लोगे तो उसके अंदर जो HCF है वो अगर 18 आता तो LCM 380 नहीं आ सकता, या LCM 380 आ रहा तो LCF 18 नहीं आ सकता। मतलब ये पेयर जो दे रखा है ये गलत है। इसका मतलब असर्शन तो इनकरेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट है। ऐसा कौन सा आंसर है डी ए बी सी डी में से जिसमें असर्शन इनकरेक्ट और रीजन करेक्ट दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में बोला है कि असर्शन इनकरेक्ट है बट रीजन करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे लिए परफेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए।